टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टेस्ट 7 का रिजल्ट जारी होगा। जिन्होंने टेस्ट दिया है उनकी रैंक जो टॉप 5 में है उनका नाम होगा वहाँ पे। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लोग स्टार्ट करते हैं तो वो लास्ट में जाते हैं और रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन देखने हैं कौन से हमने गलत किए हैं। ठीक है, तो प्रयास रहे आप क्वेश्चन देखिए पहले कौन से गलत किए, और उस मैंने इसमें डिटेल रूप में बताया बहुत सी चीज़ें, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद में उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश हिंदी दोनों उपयोग की जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, ये 120 दिया हुआ है, आर्टिकल 120 दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा प्रेसिडेंट होंगे, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है? तो क्वेश्चन आवर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल। थर्ड क्वेश्चन है, शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ए ऑप्शन है, जीरो आवर इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, सही है, या सदस्यों के बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले में उठाने के लिए दिया गया एक अनौपचारिक उपकरण है, सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है, 1962 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1962 होगा, ना कि 1972। आगे बढ़ते हैं, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है आपको 105 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद दी गई है? तो 110 में दिए गए, 110 में, आर्टिकल 110। ठीक है, सॉरी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? असम में फर्स्ट ऑप्शन 14 सीटें हैं लोकसभा की, झारखंड में 14 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं? तो पांडिचेरी में राज्यसभा की सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें राज्यसभा की सीटें भी हैं। एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राज्यसभा सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन दीच स्टेट? तो असम फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, असम उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तो असम में है 7, उड़ीसा में 10 और आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तो मध्य प्रदेश में आपके 11, उड़ीसा में 10, आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में आपके 18। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो सही नहीं है, गलत है। अब आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ, असम 7, उड़ीसा 10, आंध्र प्रदेश 11 और वेस्ट बंगाल कितनी हो गई, 16 सीटें, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ए एंड सी जो भी लगाया होगा या दोनों लगाया होगा, ए एंड सी में, तो दोनों में से एक भी लगाया होगा या दोनों लगाया होगा, उसके आंसर सही हैं, माने गए हैं, उसे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है, असम उड़ीसा केरला तमिलनाडु, असम में 7, उड़ीसा में 10, केरला में 9 और तमिलनाडु 16 सीटें हैं, तो ये गलत है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 79 निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है, तो आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 संसद गठन सही है, 110, 110 मनी बिल सही है, 112 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सही है, ए सही है और डी गलत है। 118 नहीं होगा, 123 होगा, 123 में के माध्यम से पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए ऑर्डिनेंस। ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो वह है 85 में, ठीक है, आर्टिकल 85 में दिया हुआ है कि जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन की बात की गई है। 11th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विशेष अभिभाषण की बात की गई है 87 में वर्णित है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है आपका 112, ऑप्शन नंबर 112 में, 112 में जो है इसकी बात की गई है, बजट की बात की है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो नहीं लिखा वहाँ पे, वहाँ लिखा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात की है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात की गई है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें 79 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन, कुछ दशाओं में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया वर्णित है? तो 108 में किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह करेगा या प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद वर्णित है? तो वो 75 वर्णित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब रिजल्ट बात करते हैं, रिजल्ट में दिया हुआ है फर्स्ट जो रैंक अचीव किए हैं, आदित्य फर्स्ट रैंक, आकाश फर्स्ट रैंक, दोनों ने 45 मार्क्स पाए हैं, 45 मार्क्स आदित्य और आकाश जी ने पाया है, बहुत अच्छा रैंक है इनका और लगातार इन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव कर रखी है। सेकंड रैंक पे हैं दीप्ति गुप्ता, 42 मार्क्स का, लगातार इन्होंने टॉप 5 में जगह बना रखी है अपनी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। अमन थर्ड रैंक पे अमन है, 41 मार्क्स का, बहुत अच्छा है इनका रिजल्ट। फोर्थ रैंक पे हर्षिता चावला हैं, 39, ये तो टॉप 5 में रहती ही हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, ये न्यू स्टूडेंट है लेकिन इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। फोर्थ रैंक में निखिल पाल भी हैं, 39 मार्क्स साथ, ठीक है, तो दो स्टूडेंट 39 मार्क्स साथ फोर्थ रैंक पे। थर्ड रैंक पे अमन 41 मार्क्स साथ, सेकंड रैंक पे दीप्ति गुप्ता 42 मार्क्स साथ और टॉप में 45 आउट ऑफ 45 मार्क्स साथ आदित्य आकाश जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। टॉप जो है टॉपर जो उनका नंबर है बहुत अच्छा है, 45 आउट ऑफ 45 पाए हैं वो, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।